नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो यहां पर मैं आ चुका हूं एक और नोटिफिकेशन वीडियो के साथ आप लोगों के लिए। तो अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ HAL, जी हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड में जॉब करने का सपना रखते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दूं कि ये जो पोस्ट जिसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, अप्रेंटिसशिप की पोस्ट वैसी पोस्ट होती है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में निकलती है, जिसमें इतना ज्यादा सैलरी तो नहीं मिलता है लेकिन एक्सपीरियंस काफी अच्छा काउंट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो ये वैकेंसी उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्रिपरेशन के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी मिनी रत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का पार्ट बनना चाहते हैं, अपने रिज्यूम में इस HAL के एक्सपीरियंस को लिखवाना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ इस जॉब को करके थोड़ा बहुत पैसा अर्न भी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन होने वाला है। तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया है कि कौन लोग यहाँ पर किस तरीके की ये जॉब प्रोफाइल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या इस लिखा है इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन में। तो 1/5/2023 को ये हमारा नोटिफिकेशन आया है, एंगेजमेंट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नेक्स्ट ग्रेजुएट इन जनरल स्ट्रीम एंड डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत ये आपका नोटिफिकेशन निकला है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द सिटीजन ऑफ इंडिया अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हैदराबाद। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स अगर हैदराबाद से आप बिलोंग करते हैं तो आप ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपके घर में ही वहाँ पर ही मतलब आपको स्टेट क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। हैदराबाद से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है। 23 से 24 के पीरियड के बीच में एक साल की अप्रेंटिसशिप की डिटेल्स यहाँ पर गिवन है, कौन कौन सी ब्रांचेज है और कौन कौन सी ब्रांचेज में हम लोग यहाँ पर वैकेंसीज देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिस की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अगर आपने बीटेक करी हुई है, जी हाँ दोस्तों, ईसी से आपने बीटेक करी है तो मैक्सिमम पोस्ट यहाँ पर ईसी की हमें वो दिख रही है, 45 वैकेंसीज है अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग करी है तो। नंबर टू, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगर आपने मैकेनिकल से बीटेक करी है तो 15 पोस्ट यहां पर दिख रही है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बीटेक करी है तो 4 पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग की 3, कंप्यूटर साइंस की 5 और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने बीटेक करी है तो 2 पोस्ट है। टोटल 74 पोस्ट है यहां पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं टेक्नीशियन। टेक्नीशियन के लिए आपको डिप्लोमा होना चाहिए, तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर है और ऑलरेडी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं साथ ही साथ एक जॉब भी करना चाहते हैं तो आपके लिए वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपने डिप्लोमा किया है बेटा तो 30 वैकेंसी यहाँ पर है, मैकेनिकल से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 10 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से 2, सिविल से 2, कंप्यूटर साइंस से 4, कॉमर्शियल ये खैर नॉन टेक्निकल यहाँ पर पोर्शन यहाँ पर एडिशन हो चुका है। उसके बाद जनरल स्ट्रीम ये खैर नॉन टेक्निकल पोर्शन है, इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए अगर बात करें तो आपका बीटेक होना अनिवार्य है, आपके बीटेक होना अनिवार्य है आपका ग्रेजुएशन में। तो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड डिग्री इन द इंजीनियरिंग, तो डिग्री मतलब बीटेक आपका होना चाहिए, मेंशन इतना। और आपका जो गैप है, गैप बिटवीन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड पासिंग ऑफ द क्वालिफिकेशन शुड नॉट बी मोर देन 3 इयर्स, तो इसका मतलब आपका जो बीटेक जब कंप्लीट हुआ था और अभी जब ये नोटिफिकेशन निकला है तो 3 साल का ड्यूरेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर तो मतलब फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, 1 साल से 2 साल से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर आप जाकर इसको अटेन कर सकते हैं इस जॉब को। नेक्स्ट जो टेक्नीशियन की पोस्ट है डिप्लोमा, उसके लिए एलिजिबिलिटी है, लिखा हुआ है साफ तौर पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड सेम क्लॉज है, 3 साल का ड्यूरेशन गैप नहीं होना चाहिए, जो बीच का गैप है जिसमें आपने प्रिपरेशन करी है वो 3 साल से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन एज पर द गाइडलाइंस जो आपका है उसके हिसाब से मिलेगा। सर स्टाइपेंड कितना मिलेगा, तो अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है इन्होंने कि कितना स्टाइपेंड मतलब मंथली अलाउंस आपको मिलेगा, तो यहाँ लिखा है स्टाइपेंड विल बी पेड मंथली एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एंड रूल्स, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। ये मैं पहले ही बता दूं, ये जो जॉब है ये कह सकते हैं कि कंफर्म जॉब नहीं है, ये अप्रेंटिसशिप की जॉब है। यहाँ पर
ईयरली बेसिस पे बच्चों को हायर किया जाता है ताकि वो एक्सपीरियंस गेन करे, खुद का एक्सपीरियंस अच्छा करे, और फिर मतलब इतने बड़े डिपार्टमेंट में जॉब करने का अपना खैर अपना सपना उसको एक तरीके से जी ले, फिर उसके बाद उनको कम पे स्केल पे रखा जाता है, फिर उसके बाद उनके रिज्यूम में ऐड हो जाती है ये सब चीज़ें, और फिर वो दूसरी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे जो प्रिपेयर ऑलरेडी कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन के साथ साथ अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो ये बेहतर एक विकल्प आपके लिए हो सकता है। मैं पहले ही बताया तो सर किस तरीके से अप्लाई करना है, इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट हु मीट द नोटिफाइड क्राइटेरिया, तो वो वॉक इन इंटरव्यू है, मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन नहीं होने वाला, आपको डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू पे जाकर यहाँ पर इसको अप्लाई करना है। आप वॉक इन इंटरव्यू की जो लोकेशन है वो यहाँ पे दी हुई है, जो यहाँ पे दिया हुआ है हैदराबाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हैदराबाद, नीचे एड्रेस लिखा हुआ है, इधर जाकर आपको इंटरव्यू देना है। अगर आप डिप्लोमा आपने किया है तो 23/5/2023 को सवेरे 9:30 बजे से वहां पे इंटरव्यू होने वाले हैं। अगर बीटेक स्टूडेंट अगर आप हैं तो 24/5/2023 से वहां पर आपके इंटरव्यूज होने वाले हैं। तो ना कोई एग्जाम है, ना ही यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस लग रहा है, सीधे इंटरव्यू बेसिस पे है, एंड अगर आपके मार्क्स थोड़े भी बेहतर है तो फिर आप लोग यहाँ पर जाकर अपनी एक पार्ट टाइम जॉब कह सकता हूँ, मैं पार्ट टाइम जॉब ही कहूँगा इसको, मैं ये एक परमानेंट जॉब नहीं है, पार्ट टाइम जॉब को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, वेन्यू हमने बता दिया। अच्छा, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है इस जगह के लिए, तो आधार कार्ड, टेंथ की मार्कशीट, डिप्लोमा डिग्री की मार्कशीट, प्रोविजनल एंड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। क्लियर बात है। तो इसकी वेबसाइट पे आप जाकर, HAL की वेबसाइट पे आप जाकर एक काम करिएगा, इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, क्योंकि यहाँ पर सारी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। सिलेक्शन इज बेस्ड ओनली ऑन द मार्क्स सिक्योर्ड इन द डिप्लोमा इंजीनियरिंग और डिग्री ग्रेजुएशन इन द जनरल स्ट्रीम, नो इंटरव्यू और रिटन टेस्ट। मतलब यहाँ पर आपको जो जॉब मिलने वाली है, अगर आपका बीटेक के मार्क्स के ऊपर ही आप लोगों को जॉब मिलने वाली है, नो इंटरव्यू, मतलब ये भी लिखा गया है कि आप बस आ जाइए और जॉब आपनी पक्की करवा लीजिए, किसी प्रकार का इंटरव्यू आपका नहीं होगा अगर आपके थोड़े ही बेहतर मार्क्स हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से खेल, पक्की पकाई जॉब है लेकिन पार्ट टाइम जॉब है, ये आप अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आप जरूर देख लीजिएगा। एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो डेट्स हैं वो एक बार मैं वापस से बता देता हूँ कि यहाँ पर जो डेट्स लिखी गई है, 23 तारीख को डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वॉक इन रखा गया है, और वॉक इन भी इस तरीके से है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो सीधे आइए जॉब ले जाइए। उसके बाद 24/5/2023 को इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए डेट रखी गई है, नीचे एड्रेस आप देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हैदराबाद बालनगर। ओके, यहाँ पर आप जाकर अपने जॉब को है वो सिक्योर कर सकते हैं एक तरीके से। तो आई थिंक ये वीडियो इनफ रहा, ये खैर आप पार्ट टाइम जॉब है, अगर आप पार्ट टाइम तरीके से जॉब को करना चाहते हैं तो खैर आपकी इच्छा है, प्रिपरेशन के साथ साथ पढ़ाई अगर कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। देखो यार, मैं हमेशा से एक बात को ज़रूर कहता हूँ कि जब भी कोई मौका आए ना तो उसको ये मत समझो कि मौका बहुत छोटा है, मौका बहुत ही ज़्यादा छोटा है, क्योंकि हो सकता है कि यही जो चीज़ जो आपने अचीव करी है, गेन करी है, ये आपको एक अलग ही रास्ते पे ले जाए और एक बहुत ही बेहतर करियर ऑप्शन की तरफ लेके चल जाए। तो कभी भी किसी भी चीज को ये मत सोचिएगा कि यार छोटा मौका है या फिर ये छोटी पोस्ट के लिए या कम सैलरी के लिए मैं काम कर रहा हूं, खुद के गेन के लिए, खुद के दिमाग के गेन के लिए, खुद के प्रोडक्टिव गेन के लिए अगर सोच के आगे बढ़ोगे और काम करोगे तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे लाइफ में अच्छा अचीव कर ही जाओगे। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से अगर कोई फॉर्म नहीं भरा जा सकता या फिर किसी भी स्टूडेंट की लाइफ चेंज नहीं हुई लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, तो उससे गलत कुछ नहीं हो सकता। तो इसी नोट पे आपसे मुझे ये उम्मीद है कि इस वीडियो को आप पहुंचा दोगे अपने दोस्तों तक जो हैदराबाद में रह रहे हैं, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो इस जॉब को इजीली कर सकते हैं। अब हैदराबाद में रह रहे हो, प्रिपरेशन करते करते अगर जॉब करने लग गए एक बड़ी कंपनी में, जो कि एक मतलब बहुत ही बढ़िया काम कर रही है कंपनी अपने सेक्टर में, तो फिर आप लोगों को नई नई चीज़ सीखने का मौका मिलेगा और इस तरीके का एनवायरनमेंट आपके आसपास होगा कि आप ग्रो ही करोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सभी लोग शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में जो हैदराबाद में है, जो तेलंगाना में है, ठीक है, उन सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि
हो सकता है कि ये सिर्फ इस वीडियो की इंफॉर्मेशन से ही उनकी लाइफ में थोड़ा सा बदलाव आ जाए। ठीक है, तो एंड करते हैं इस वीडियो को। इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारे नोटिफिकेशंस, चाहे छोटे से छोटा नोटिफिकेशन हो या फिर ग्रैंड नोटिफिकेशन हो, उसको जरूर यहाँ पे कवर करते हैं। एंड क्लासेस तो आपकी चल ही रही है, इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की, सिविल की, इन सभी की क्लासेस रेगुलरली चल रही है इस चैनल के ऊपर। तो उम्मीद करेंगे आप लोग ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलते हैं अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।